वेलकम बैक टू चैनल एंड यू वाचिंग पी आप लोग। और भाई आज है वन राइड, बहुत बड़ा दिन है और आ गए हैं हम यहाँ पे। सारे बाइकर्स यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं अपना मीटिंग पॉइंट हीरो सेक्टर 29। और मैं हूँ इस टाइम कार पे क्योंकि जैविक और क्यारा दोनों मेरे साथ हैं। क्यारा ड्राइव कर रही है अभी और मैं आगे बैठा हुआ हूँ। सो एक छोटा सा शॉट ले रहे थे, बहुत सेफली लोकेशन है यहाँ पे, सर्विस लाइन है तो वहीं पे शॉट ले रहे थे। आप घर पे मैं ट्राई करना है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ आज वन राइड है, 18th of September है, संडे का दिन है, बहुत बड़ा दिन है तो सारे आ रही राइडर्स के लिए। तो यहाँ पे सारे आ रही राइडर्स इकट्ठे होंगे। आज ऑलमोस्ट हमारे 120-130 राइडर्स आ रहे हैं। इसमें पिलियन फीमेल्स भी हैं और राइडर फीमेल्स भी हैं, तो सारे आ रहे हैं। मैंने फैमिली के साथ आना था इसलिए मैं बाइक पर नहीं आया, कार पर आया हूँ। पहुँच गया हम अपनी पार्किंग पर, यहाँ पर कार लगाते हैं और मैं चलता हूँ आगे बाइकर्स के पास और फिर वहीं मिलते हैं सीधा आपको। सो बाइक सानी स्टार्ट हो गया भाई और मेरे पीछे आप देख लो सारे राइडर्स खड़े हुए हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं आराम से क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले इतने सारे लोग। और बाइक्स ये देखो यहाँ से शुरू है और वो पीछे एंड तक लगी हुई हैं, बहुत बाइक्स हैं। और कितनी है ये टोटल आपको आज बता देंगे मैं एक बारी आगे चल के, और एक छोटी सी शॉर्ट्स वगैरह बना लेते हैं व्लॉग में डालने के लिए और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ईशान भाई की वेट हो रही है, टाइम हुआ अभी 7:15, जाना है 8 बजे, तो होपफुली 80 बाइक्स होनी चाहिए कम से कम हमारे पास। जो राइडर्स की काउंटिंग है वो 120 प्लस है। और ये आ गए हमारे अंकुर भैया, फनित में जा रही। सो अब देखते हैं आगे कितने राइडर्स आते हैं। और ये रहा छोटा सा जैविक हमारे साथ, हेलो करो। सो कुछ लोग कार पे भी आ रहे हैं जो फैमिली के साथ है, जैसे कि मैं आया हूँ और भी हैं, तो देखते कौन कौन आता है फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो टाइम हो गया 7:45 और अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। एक बार सबको वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करी है। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस ग्रुप इज कि भाई हमें अपना जो कचरा है ना कहीं भी ऐसे नहीं फेंक के निकलते, मैं आपको दिखा दूँ क्या करते हैं। तो ये बैग टांगा हुआ, इसमें सारे एक साथ इकट्ठा करके कचरा एक जगह पे रख देंगे इसको और फिर आगे निकल जाएंगे। और जो भी गार्बेज उठाने वाला ट्रक या गाड़ी आती है वो आके इसको ईजिली आइडेंटिफाई करके उठा सकते हैं। तो ये एक गुड थिंग है कि हम कहीं भी जाएँ, चाहे दिल्ली के अंदर है चाहे माउंटेन्स पे है, हम अपना कचरा जो है ना इकट्ठा करके रख के जाते हैं एक जगह पे या फिर कलेक्टर के साथ लेके जाते हैं, ऐसे नहीं फेंक के जाते कि कल को हमारी इमेज ख़राब हो। बहुत मेहनत से इस ग्रुप की इमेज बनी है, बहुत पुराना ग्रुप है तो प्रॉपर ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का। सो अगर किसी को लगता है कि बाइकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपनी देखते, तो भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ग्रुप की और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, अपनी इमेज का भी और एनवायरमेंट का भी। तो अब पानी पी रहे हैं और निकल रहे हैं और यहाँ पे सबसे काम कराया जाता है, चैटमैन की वाइफ भी क्यों ना हो। ब्रीफिंग स्टार्ट हो गई है और दिखाते हैं आपको बाबा जवान भैया के साथ। मॉर्निंग, वी आर हियर वन राइड विद रेड, अमेजिंग राइड, अमेजिंग पीपल, ऑल द बेस्ट 2022, ऑल द बेस्ट फॉर योर वन राइड। ब्रीफिंग ले लेते हैं कि क्या क्या है और फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग, पहली वन राइड यार स्टार्ट हुई थी 2011 में एंड बेसिकली रॉयल फील्ड कहती है कि ये ना पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी कम्युनिटी राइड होती है
वन राइड ऑर्गेनाइज करते हैं। मेन कंपनी का मोटिव क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो वन राइड वन मिशन एंड वन वर्ल्ड। मिशन इनका ये है कि जहाँ भी आप ट्रैवल करते हैं, जैसे अगर हम बात करें टूरिस्ट जो है वो हर जगह ट्रैवल कर रहा है, मनाली, शिमला, लद्दाख, यहाँ वहाँ कहीं, लेकिन एक बाइकर ही ऐसा होता है जो रिमोटेस्ट लोकेशन पे जा करके राइड करके आते हैं। जैसे लद्दाख भी अगर देखो, जितने एरियाज लद्दाख में बाइकर्स को पता है वो टूरिस्ट को नहीं पता होंगे। कहीं ना कहीं जो लोकल एरियाज हैं उसकी कम्युनिटी को या उसकी इकोनॉमी को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं बाइकर्स में। तो आरी यही मैसेज देता है कि आप राइड करें, और जहाँ भी राइड करें जिस भी डेस्टिनेशन में, जस्ट मेक श्योर कि वहाँ के लोकल लोगों को आपसे कोई बेनिफिट हो जब आप वहाँ पहुँचें। चाहे आप होम स्टे में रुकते हैं या आप कहीं पर खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें जो लोकल लोग हैं। तो अपनी डेस्टिनेशन के लिए हम लोग निकल चुके हैं मीटिंग पॉइंट से। जैविक मेरे साथ है, क्यारा चला रही है कार, और मैं बाइक कर रहा हूँ व्लॉग शूट अपना। बहुत सारी बाइक्स है, एक बार देख लो आप। ऐसे बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे सारी, पीछे टेल को वेट कर रहे हैं, टेल एक बार दिख जाए सारे आ जाए और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे और बाकी का शूट वहाँ जाके करेंगे। तब तक रास्ते के एक दो शॉट्स डाल देता हूँ मैं। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कंप्लेन आ रही है कि बड़े ब्लॉग डल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में करेंगे कंप्लीट। और ये जैविक को कहीं जाना है, भूख लगी हुई है इसको इस टाइम, तो चलते हैं। सुंदर भाई आ गए हैं यहाँ पे, अब इनसे बातचीत करते हैं फिर चलते हैं आगे। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. सो अपनी डेस्टिनेशन पर लोहागर फार्म हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी खड़े हैं पार्किंग में। भाई पीछे ये सारा बाइक्स का लाइनअप है और इधर लगी हैं सारी कार्स और बातें बातें कर रहे हैं सारे एक दूसरे से कि कैसी रही राइड अभी तक की। और अंदर जाके सारे जिस जिस को जो जो जानता है, वैसे तो सारे एक दूसरे को जानते हैं लेकिन अपना अपना सब बैठेंगे आराम से। और दो राइडर है हमारे साथ, एक नया राइडर है भाई, ब्लॉग व्लॉग नहीं बना बाइक का, मामा ने भी ले लिया हमारे बाइक हिमालयन, व्लॉग नहीं शूट हुआ इसका लेकिन बाइक आ गया मामा को, तो सारे कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर देना। थैंक यू, थैंक यू। मामा की पहली राइड हमारे साथ बाइक पे, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वेलकम टू राइड। ये पहला कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया भाई लाइव। क्या करना है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब। देखा एडमिन कह रहे भाई करो। यहाँ पे एक बार सबसे मिल लेते हैं फिर अंदर चलते हैं और अंदर का दिखाते हैं आपको व्यू कैसा है, और एक बार इकट्ठे होते हैं चलते हैं फिर अंदर, बैंड वगैरह लगवा ले भाई, जिस जिसने पेमेंट करी है फ्री बीस ले ले। आपने पहले पेमेंट करी थी? यस। ए, इनको भी फ्री बीस मिलेगी। सो यहाँ पे छोटे छोटे अट्रैक्शन थे, जैसे एक कार थी अभी जैविक बैठा था उसमें, और पीछे अब मेरे ट्रैक्टर, और ये फोटोज के भूखे शुरू हो गए हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर एट लोहागढ़। हमारा पूरा कॉन्वॉय आ चुका है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, पीछे पीछे दिखाइए पूरा कॉन्वॉय। वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ अप्रॉक्स मोर देन 100 पीपल ओवर हियर। और अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि फर्दर हम अपकमिंग कौन कौन सी राइड करने वाले हैं और कौन कौन से टेरेन पे करने वाले हैं, कौन सी ग्राउंड्स पे रहेंगे और कौन सी माउंटेंस पे रहेंगे।
तो हमारे साथ बने रहिए, लेट्स बी ऑन अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग, तो बने रहिए शुभम सिंह के साथ, पीआर ब्लॉग कैमरामैन हमारे, सी यू। फार्म की एंट्री पे भाई, जहाँ पे अंदर एंट्री होती है और वहाँ पे बाहर ये सारे अट्रैक्शन है, एक बड़ी सी मंजी पड़ी है, बड़ा सा रैकेट है और पीछे कुछ एंटीक स्कूटर्स वगैरह हैं और राजदूता यश जी है, तो ये सब यहाँ पे है। और अभी जो है यश खेल रहे हैं यहाँ पे पीछे, अपने भी अपने से बड़े रैकेट के साथ खेल रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रही। और अब चल रहे हैं अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस, बैंड हमने ले लिए हैं, चल रहे हैं। और यहाँ पे भाई छाछ भी मिल रही है और लस्सी भी मिल रही है, और ये लड्डू भाई आ गए छाछ लेते हुए। चीयर्स। बर्थडे सेलिब्रेशन आपने देख लिया और अब हो रहा है इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं हमारे साथ। आप तो पहले भी आ चुके हैं, फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम है। हां, एक महीने को हो गया सर, अभी जस्ट कल ही एक महीने की उम्र, करेक्ट। और आज राइड पे आ गए, देख लो कितना प्यार है इनका, कितना प्यार है इनका। सो जो फर्स्ट टाइम आया हमारे साथ राइड पे, उनका इंट्रोडक्शन होने जा रहा है और एक दो शॉट्स उसके दिखाते हैं आपको। और ये लो प्लीज, ये प्यार बॉक्स के लिए स्पेशल, ये खाइए। इसकी आवाज इतनी करीब आनी। सो आई हैव जस्ट बीन फ्रॉम चंडीगढ़, तो यहाँ पर दो ही हफ्ते हुए हैं। पहले नौकरी थी तो मैं जॉब के साथ बाइक राइड कर रहा था, अब मैंने जॉब छोड़ दिया तो अब मैं जॉब छोड़ के बाइक राइड कर रहा हूँ। ये मेरी आरईटी के साथ पहली राइड है एंड आई थिंक सो राइड ऐसी चलती रहेंगी। इससे पहले मैं थप्पर चंडीगढ़ के साथ राइड कर रहा था, मैंने सोलो सारा किया है, कसोल, मनाली, यू कॉल इट खीर गंगा, केदारनाथ, राजस्थान एंड एवरीथिंग। मेरी बाइक सिर्फ 8 महीने पुरानी है, पर इट लुक्स लाइक इट्स क्वाइट ओल्ड बट इट इज़ नॉट। हाँ जी, 13,000 किलोमीटर, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। तो क्या सीखा, इतनी राइड नहीं करना भैया, नौकरी से आराम से। मंकी जैन है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मैंने अभी जून में ही बाइक परचेज करी। जब मैं फर्स्ट सर्विस के लिए गया उसके, तो मेरे को वहाँ से पीआर ब्लॉक्स पुनीत जी मिले और उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे को कहा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं अभी जस्ट ली है और देखते हैं क्या करते हैं। मैं स्कूटी से टर्न ऑन हुआ हूँ 20 साल बाद बाइक पे, तो कहते हैं कि हमारा एक ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें,
तो ये उसके बाद फर्स्ट मेरे पास कॉल आई कि हमारा ग्रुप ऐसे से जोहागढ़ जा रहा है. मैंने कहा ठीक है आई मीन सो मैं आपके सामने हूँ और आगे होपफुली हर राइड में आपके सामने हूँ. My name is Colonel Sunil Chawla. This is my salute. I am really happy to be in this crowd. Probably I am the oldest. Youngest. That's my son. मैं ये कहता हूँ बुड्ढा उस दिन होगा जिस दिन मेरा खून सफेद हो जाएगा, खून लाल रहेगा, दिल जवान रहेगा. Age is just a number. Provided your health is good. Even if health is not good, at probably 30 years you start feeling mata buddha. Itne aise budde nahi hue. And we look forward to such gatherings and long rides. And just requesting Ishan that we, if we have something in the planning, it will be a pleasure to join. My name is Anmol, 28 years old. I've been to quite a few countries. I've done a lot of stuff. But mere ko wapis India mein the culture jo hai. You can deeply connect with people. Maybe initial conversation आसान नहीं होती है but here जो connection मेरे को ऐसा लगता है कि humans to human बनते हैं वो मैंने किसी और देश में नहीं देखे. बाकी काफ़ी superficial होता है, जैसे even ride के लिए आया अभी बाहर जाते बहुत formal होता है, सब cut to cut होता है, घर चले जाते हैं. यहाँ पर बहुत फैमिली सा environment है, कुछ लोग अपनी घर की बातें कर रहे हैं, दूसरों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरे को भी यहाँ ले लिया, पापा को भी ले लिया. सो दैट आई थिंक इज वेरी स्वीट एंड आई थिंक इट इज़ वेरी गो टू कम्युनिटी. एंड आई डू वॉन्ट टू, मेरे को राइडिंग नहीं आती है बट आई डू वॉन्ट टू ज्वाइन अ कम्युनिटी ऑफ राइडर्स जिसके साथ हम लिमिट्स को पुश करते रहे. आज मेरी पहली राइड थी 30 मिनट्स, होपफुली एक दिन इससे ज़्यादा लंबी राइड हो, फिर ओवर नाइट ट्रिप्स हो, तो होपफुली आई गेट टू लाइक गेट टू नो अवर पीपल, बी अ पार्ट ऑफ द कल्चर, लोग मेरे को अपना फ्रेंड भी समझे, होपफुली मैं भी कनेक्शन बनाऊँ. बाइक की फोटो जरूर खींचना, इन्होंने सब ठीक है, इन्होंने सब ठीक है. अच्छा तरुण भाई एक चीज़ फ्रॉम रेड वी हैव अ स्मॉल टोटल रिस्पेक्ट टू आप अपना हमारी कर रहे हो बट थोड़ा आलस आ रहा है, गाड़ी में पड़ा है, जाते हुए प्लीज ले लेना. इट्स अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम रेड बट इट इज देयर इन द कार. मेरा नाम तरुण रोडे है, मैं एक कंसल्टेंट हूँ और राइडिंग का मेरे को बहुत पुराना शौक है बट अभी मैंने रिसेंटली क्लासिक 350 ली है, 4 महीने पुरानी. रेड के साथ पहली राइड है बट मैं इसके पहले अपने आप ही रोज़ सुबह सुबह जो है 3 से 4 महीने रोज़ सुबह 1 घंटा अपने आप खुद बाइक चला के आता था. फर्स्ट ग्रुप राइड विद रेड, आई एम जस्ट एंजॉइंग इट. इनको मैंने बहुत बार देखा हुआ है और भी कुछ व्लॉगर्स को देखा हुआ है बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ लॉट ऑफ बाइक वीडियोस. एक नया मेरे को अच्छा लगता है इस चीज़ के अंदर करके. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू शान सर. एंड जिस दिन उस दिन शान सर मेरे को ऐसे मिले, सुबह सुबह सोलो निकल रहा हूँ, मैंने इनको पूछा, मैंने कहा मैंने ढूंढे ग्रुप कि बेस्ट ग्रुप्स कौन से हैं, इसमें मिले. मैंने कहा आई वॉन्ट टू जॉइन योर ग्रुप एंड आई वॉज राइडिंग सोलो टूडे, इज इट पॉसिबल आई कैन ड्राइव विद यू, राइड विद यू गाइज, क्योंकि बहुत हो गया था सोलो सोलो. आधे घंटे में इनका रिप्लाई आया, सुबह 4 बजे के आसपास मैंने इनको मैसेज किया राइट. एंड आधे घंटे में रिप्लाई आया, ही टोल्ड दैट हम लोग बुरसा जा रहे हैं हवाई अड्डा, आप वहीं मिलो. मैं सोलो तो जा ही रहा था, सोलो करता करता खैर थोड़ा लेट हो गया बट जब तक मैं पहुंचा ये लोग हमारा रेड ग्रुप वहाँ से निकल गया था. जब मैं निकला तो लास्ट एक पर्सन जिनकी रेड कलर की रॉयल एनफील्ड थी वो निकल रहे थे बिल्कुल, तो ये मेरी मैचिंग हुई इनके साथ. सो हैट्स ऑफ दैट, इनका रिस्पॉन्स टाइम इज सो गुड एंड आज मैं आप सबके साथ हूँ. थैंक यू वेरी मच, इट्स सच एन एक्सपीरियंस. थोड़ी देर में श्रीदेवी वीर ने बजा था अभी यहाँ पे जैविक ने एंजॉय करा एक पपेट शो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में और बड़े अच्छे से यहाँ पे ना भाई आराम करने के लिए हट्स बनी हुई हैं जिनमें बड़ी सही सी मंजिया लगी हुई हैं. ये मंजिया आराम से यहाँ पे बंदर लेट है
और व्लॉग भी शूट कर सकते हो और बात भी कर सकते हो और आराम तो कर ही सकते हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और ट्रीज से कवर्ड अच्छे से ये जगह, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, लेकिन अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, शांति है बिल्कुल। और 2014 से लोहागढ़ फार्म जो है वन राइड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये इनके हो गए 8 साल हो गए इनको वन राइड ऑर्गेनाइज करते हुए, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा और बहुत मज़ा आ रहा है। अब अकेले को आ रहा है ये भी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काटिए मत ये वाला, नहीं काटूंगा। क्या रहा भाई, जाके लगवा के आइए मेहंदी। अब चलते हैं आगे, और हॉन्टेड हाउस वगैरह है यहाँ पे, एक दो एक्टिविटीज हो रहा है वो देखते हैं, फिर करते हैं कैमल राइड और उसी के साथ टाइम हो जाएगा और चलेंगे वापस। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको और क्या क्या है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे यश जा रहा है बुल राइड करने के लिए, कैमल राइड से पहले बुल पे बिठा रहे हैं इसको, और ये पीछे हवा भर रहे हैं इसमें अभी भैया। 50 रुपीज चार्जेज है इसके, यहाँ पे पेड है अलग से, तो ये ले रहे हैं एक राइड, देखते हैं कौन कितनी देर टिकता है। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have a shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after. अब यहाँ पे करेंगे आज भी और ट्राई करेंगे अपना अपना निशाना कैसा लगता है।
रेगुलर एक्टिविटीज हो रही है जो हम छोटे होते थे देखते थे गलियों में या खेतों वगैरह में, गांव वगैरह जाते थे वहाँ पे, अब देखने को नहीं मिलती है चीज़ें। तो यहाँ पे उसी बेस पे, थीम बेस पे बनाया गया है लोहा का फार्म, और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे कि मेरा बेटा छोटा है, उसने आज तक नहीं ये चीज़ देखी, और हमें भी काफ़ी साल हो गए हैं देखे हुए, तो वो देखने आए हुए हैं यहाँ पे और एंजॉय कर रहे हैं वहाँ बैठ के। और अब मेरे को सामने दिख गया उसके लिए एक छोटा सा प्ले एरिया, तो वहाँ लेकर जाते हैं इसको, फिर देखते हैं ट्यूबवेल में जाकर थोड़ा सा, फिर घर जाएंगे जल्दी, क्योंकि भाई आज एक फास्ट था महालक्ष्मी जी का, तो वो मिस करवा दिया हमने, और लेकिन पहुँचना घर पर जल्दी है, ज़रूरी है, तो चलते हैं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. तेरे वजह से तो घुलने की क्या फर्क पड़ा? मैंने कहा था ना मैं एक मिनट में हेलो तो आज का ट्रिप जो था यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। हाफ डे का हमने एंट्री वगैरह ली थी, और अब चल रहे हैं घर की तरफ। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बी सेफ।